आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। ठीक, आपको जो है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बतानी है। ठीक, और वो भी किसमें, जूल अपॉन केजी इनटू केल्विन। ठीक है, सो और आंसर, ठीक है, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू आपके पास होता है हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स डेल्टा टी। ठीक है, सो एंड वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एच डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 1 कैलोरी इज इक्वल टू आपके पास होता है 4.2 जूल। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, एच डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या लिख देना आपको, 4.2 जूल। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके पास हो गया 4.2 जूल अपॉन ग्राम इन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर किसने पूछा, जूल अपॉन के जी इन टू केल्विन। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा दिस इज। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है ग्राम में। ठीक है, सो ये ग्राम और डिग्री सेल्सियस ये दोनों किसमें, सीजीएस यूनिट आपके। ठीक है, सो यहाँ हम जो है इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास ऊपर बच गया 4.2। ठीक है, 4.2 इनटू, ठीक है, देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ऊपर तो आपके पास बच गया जूल। ठीक है, एंड नीचे क्या बच गया आपका, नीचे आपके पास गया ग्राम। ठीक है, सो देखिए 1 kg इज इक्वल टू आपके पास होता है, 1 kg इज इक्वल टू आपके पास होता है 1000 ग्राम। ठीक है, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1 ग्राम इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1/1000 kg। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करवा देते हैं, सो ये आपके पास हो गया 1/1000 kg। ठीक है, एंड डिग्री सेल्सियस जो है उसको आपको ये सब यूनिट किस में लेनी है, ऐसा में तो डिग्री सेल्सियस के लिए आप ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, केल्विन। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए 1000 जो वो यहाँ पे किसमें, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में है, सो ये ऊपर जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा 4.2 into 1000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4.2 into 1000। ठीक है, और यूनिट ऑफ क्या सोचिए, जूल अपॉन के जी इंटू केल्विन। ठीक है, सो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपके पास, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, एच डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 4000 1200 जूल इंटू के जी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज 4200 जूल इंटू के जी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, 4200 जूल इंटू के जी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।